नमस्कार। ई ऑफिस के अंतर्गत हमारे कलेक्ट्रेट के सभी विभागों द्वारा पिछले 6 महीने की फाइलें जो ओपन है उसका डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। काफ़ी सारे विभागों ने इसे सही फॉर्मेट में डिजिटाइज किया है, परंतु कुछ विभागों में, कुछ सेक्शनों में अभी फाइलों को स्कैनिंग तो ठीक है, स्कैन्ड फाइल को जो स्ट्रक्चर में रखना है, जो स्टैंडर्ड हमें फॉलो करना है, जिसे हमें ट्रेनिंग में भी बताया गया था और हमने आपको कुछ उदाहरण भी दिए थे, परंतु अभी भी कुछ छोटी मोटी गलतियां मिल रही हैं। उससे नुकसान यह होगा कि वो फाइलें फिर जब बैकएंड से अपलोड की जाएंगी तो वो फाइलें फेल हो जाएंगी और फिर बाद में ट्रैक करना काफ़ी कठिन होगा। तो उस समस्या का हल करने के लिए एक ये छोटा सा वीडियो उस तरफ प्रयास है कि ताकि आप पुनः उसको अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी टाइम पे इस वीडियो को देखें और जो भी आवश्यक सुधार है उन फाइलों में समय रहते कर लें, ताकि भविष्य में हमें कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो पहला वीडियो है डिजिटाइजेशन प्रोसेस, डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया। तो इसको इस संबंध में हमने पहले एक चार्ट देखा था, जो हमने यह तय किया था कि सभी क्लरिकल स्टाफ और ऑफिसर्स की टेबल पे इसको चस्पा करेंगे, ताकि सबके दिमाग में एक पिक्चर बनी रहे कि एग्जैक्टली कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए फाइल का। अगर किसी के पास वो कागज उपलब्ध नहीं है तो वो कहाँ से प्राप्त करेंगे, पहले हम उसे देख लेते हैं। उसके लिए हम अपने ब्राउजर पे जाकर अपने जिले की वेबसाइट katni.nic.in पे जाएंगे, katni.nic.in। ओके, इसको एंटर करेंगे तो लेफ्ट पैनल पे हमने ई ऑफिस का एक लिंक बनाया हुआ है, जहां पे मेरा माउस है। मैं ई ऑफिस पे क्लिक करूंगा और इस पे सेकंड नंबर के लिंक है डिजिटाइजेशन प्रोसेस, इस पे क्लिक करूंगा तो डिजिटाइजेशन प्रोसेस का एक फाइल पीडीएफ में खुलेगा। इसका चाहे तो आप प्रिंट ले सकते हैं। इसमें एक प्रोसेस दी हुई है कि एग्जैक्टली कैसे फाइल को स्कैन कर आपको अपने सिस्टम पर सेव करना है। तो मैं ये एक उदाहरण के साथ आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले एक्चुअली हमें अपनी फाइल में करना क्या है। हमारी फाइल जो फिजिकल फाइल है उसमें जितने पेजेस हैं, उसमें नोटशीट और उसके अलावा जो सारे कागज होते हैं उसको हम करस्पोंडेंस बोलते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले कोई भी उदाहरण के लिए आपकी कोई फाइल है उसको आप लीजिए, उसके जितनी भी नोटशीट हैं उनको आप सेपरेट करके एक जगह रख लीजिए और उसके बाकी जो भी कागज हैं, लेटर्स हैं, ऑर्डर्स हैं, जो भी है, जो आपको कभी शासन से कोई करस्पोंडेंस हुआ, उन सबको एक जगह रख लीजिए। उसमें पेज नंबरिंग कर लीजिए 1, 2, 3, इस तरह से दोनों में 1, 2, 3 से इनिशिएट करके लास्ट पेज तक रख लीजिए। उदाहरण के लिए मैंने डेस्कटॉप पर एक दो फाइलें ली हैं, एक का कॉरेस्पॉन्डेंस नाम रखा है और एक का नोटशीट रखा है। ओके, अब मान लेते हैं मैं एग्रीकल्चर विभाग में, कृषि विभाग में कार्यरत हूँ और मैं वहाँ पर उदाहरण के लिए एस्टेब्लिशमेंट्स, जो स्थापना शाखा है, उसका वहाँ का क्लरिकल स्टाफ हूँ या उसका बाबू हूँ। तो मैं अपने माई कंप्यूटर पे जाता हूँ और ई ड्राइव में, देखिए कुछ विभागों में अभी ये प्रॉब्लम्स भी हमने देखी थी, कुछ लोगों ने स्कैनिंग करी, सब कुछ सही था, फॉर्मेट भी सही था, पर उन्होंने उसको डेस्कटॉप पे सेव किया था। उससे क्या होगा, उसको हमने रिमूव करवाया और उसको हमने डी या ई ड्राइव में रखा, क्योंकि अगर कुछ कंप्यूटर में प्रॉब्लम आती है, आपका कंप्यूटर फॉर्मेट होता है, तो सी ड्राइव या डेस्कटॉप पे रखा हुआ जो भी कंटेंट है वो वॉश आउट हो जाएगा, आपका वो सारा डाटा रिकवर नहीं होगा। तो आपको सी ड्राइव में या डेस्कटॉप पे कोई भी डाटा नहीं रखना है, इसलिए मैंने उदाहरण के लिए अभी ई ड्राइव में गया हूँ। मैं ई ड्राइव में अगर मैं कृषि विभाग का हूँ तो एक रूट फोल्डर होना चाहिए, जो स्ट्रक्चर है ये, इसमें मैंने एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर फोल्डर एक रूट फोल्डर होगा, जितने भी सेक्शंस की फाइल स्कैन्ड हुई हैं वो इस फोल्डर के अंदर आएंगी। तो अभी यहाँ डिजिटाइजेशन प्रोसेस में हमने देखा कि सबसे पहला जो फोल्डर है वो है सेक्शन नेम का। मान लेता हूँ मैं आपके एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन देखता हूँ, तो मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम मैंने एस्टेब्लिशमेंट रख दिया। एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन को जो देखता है, या तो कोई अधिकारी या उसका कोई बाबू, मान लेते हैं मैं आपका बाबू हूं तो मैंने अपना नाम प्रफुल्ल यहाँ पे रख दिया, प्रफुल्ल लिख के रख दिया कि मैं एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन को ओन करता हूँ। फिर जो हमारी फिजिकल फाइल है उसके ऊपर जरूर एक नंबर डला होगा, चाहे वो 1, 2, 3 हो सकता है, या आपने अभी ISO एक्टिविटीज की थी, हमने तो अलमीरा में अपने अपने उसको ABCD इस तरह का कुछ भी दिया था, वो कुछ भी हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइल नेम में जो बात ध्यान देने वाली वो ये है कि हर फाइल का नाम जो है वो FL- से चालू होना चाहिए। FL जो है स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, मतलब उदाहरण के लिए यहाँ देखिए FL-
ये FL डैश मैंडेटरी है, ये आवश्यक है। इसके आगे का पार्ट जो है डैश के बाद, वो आपका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 भी लिख सकते हैं, या मान लेते हैं A-1 है तो ये भी चलेगा, A-1 ये भी चलेगा, ये इशू नहीं है। पर FL डैश के बिना कुछ भी नहीं चलेगा, और FL स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। फिर हमने इसके बाद ये देखा था कि इसके अंदर 2 फोल्डर होंगे, जो हमने नोटशीट अलग स्कैन की है और जो कॉरेस्पॉन्डेंस स्कैन किया है। तो यहाँ मैं 2 फोल्डर बना लेता हूँ, 2 फोल्डर हमारे बन गए। एक का नाम हम रख लेते हैं नोटशीट, दूसरे का नाम हम रख लेते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस। इंपॉर्टेंट है ये है कि इसमें सी कॉरेस्पॉन्डेंस में और नोटशीट में एन कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, और स्पेलिंग का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गलती ना हो। तो नोटशीट के फोल्डर में मैं अपने डेस्कटॉप से जो मैंने नोटशीट के नाम से स्कैन किया है उसको कट करके रख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और कॉरेस्पॉन्डेंस में मैं कॉरेस्पॉन्डेंस वाली फाइल को पेस्ट कर देता हूँ। ये कोई रियल फाइल नहीं है, एक जस्ट मैंने PDF बनाकर उसको इस एक नाम दे दिया है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने नोटशीट कॉरेस्पॉन्डेंस को तो रख लिया, पर नोटशीट को कुछ हमें नाम देना पड़ेगा, कॉरेस्पॉन्डेंस को नाम देना पड़ेगा। उसके बारे में हमने ट्रेनिंग में भी बात करी थी, और इस डॉक्यूमेंट में भी लिखा हुआ है कि वो नाम कैसे होगा। उसके लिए हमें नोटशीट खोल के ये देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली उसमें पेजेस कितने हैं। अगर मैं नोटशीट वाली फाइल खोलूंगा तो इसमें देखिए ऊपर ये लिखा हुआ है, यहाँ पे 60 पेज हैं, 60 पेजेस हैं। देखिए क्वालिटी भी काफी अच्छी है इस डॉक्यूमेंट की, और साइज आप देखिए 60 पेज है, लेकिन तो भी मेरा साइज जो 1200 KB है, ऑलमोस्ट 1 MB है। कई विभागों में हमने ये नोटिस किया कि उनके 10 पेज हैं लेकिन फाइल जो है उनकी 11 11 MB की है। बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के स्कैन करने से हमें नुकसान होगा, क्योंकि सिर्फ फाइल रीडेबल होनी चाहिए इस तरह का स्कैनिंग हो। अदरवाइज जब अपलोडिंग होगी फाइल की, या जब आप लॉग इन करके उस फाइल को खोलेंगे, तो फाइल खुलने में समय लगेगा, अपलोडिंग में हो सकता है फाइल फेल हो जाए, या अपलोड होने में टाइम लगे। तो इस बात का हमको केयरफुल रहना है, इस बात पर कि हमारी फाइल की स्कैनिंग क्वालिटी सिर्फ रीडेबल हो, इतना हमें ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी की स्कैनिंग ना करें, चूंकि इस फाइल का हमको नामकरण करना है। अब इस पे आ जाते हैं, तो हमारा स्टैंडर्ड ये कहता है कि पेज नंबर 1 से हमारी फाइल में 60 पेजेस हैं, 60 पेजेस _notesheet.pdf। ये हमारी फाइल नोटशीट की जो थी वो स्कैन हो गया करेक्ट नेम के साथ। अगर इसमें 50 पेजेस होते तो 1_50_notesheet होता, 40 होता तो 1_40_notesheet होता, इस तरह से। इसी तरह कॉरेस्पॉन्डेंस की फाइल को नाम देना पड़ेगा। इसके अंदर हम देख लेते हैं कितने पेजेस है। ओके, इसमें सिर्फ 1 पेज स्कैन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम नाम दे देंगे 1_1_correspondence। 1 से 1 तक हमारे पेज है correspondence में। इस तरह ये हमारा correspondence भी हो गया। इस तरह से हम अगर ऊपर देखेंगे तो हमने establishment section में प्रफुल का फोल्डर बनाया, फिर FL-A-1 फाइल नेम का फोल्डर बनाया, फिर उसके अंदर हमने 2 फोल्डर नोटशीट correspondence के बनाए, और उसमें corresponding फाइल्स को रख दिया विद प्रॉपर नेम। ये हमारी जाकर एक फाइल तैयार हुई। इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट में प्रफुल के पास कोई दूसरी फाइल होती तो उसका यहाँ पे एक फाइल फोल्डर बनता, उसके अंदर अगेन हम नोटशीट और कॉरेस्पॉन्डेंस के ऐसे फोल्डर बनाते। उदाहरण के लिए ले लेते हैं FL-, कोई और फोल्डर में कोई और फाइल होती, मान लेते हैं B-4, इस तरह का फोल्डर फाइल नेम का स्ट्रक्चर हो जाता। इसके अंदर हम 2 फोल्डर और बना लेते, कॉरेस्पॉन्डेंस और नोटशीट के, और फर्दर जो हमारी स्कैंड फाइल उसको रखती थी, करेक्ट फॉर्मेट हो जाता। लेकिन हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट के अलावा हमारे यहाँ दूसरा सेक्शन होता है एग्रीकल्चर में, तो हम अकाउंट्स नाम से उसका मान लेते हैं कि अकाउंट्स नाम का वो सेक्शन है। अब उस अकाउंट सेक्शन का ओनर कौन है, उसका बाबू कौन है, तो या तो वो प्रफुल्ल ही हो सकते हैं, किसी किसी के पास 2 सेक्शन होते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, या कोई और है तो हम उसका नाम ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई और होता, अगर रवि नाम से कोई हमारा बाबू होता, क्लरिकल स्टाफ होता, तो रवि नाम से डाल देते हैं। फिर यहाँ पर उसकी फाइल्स आना चालू होती, और ये स्ट्रक्चर फॉलो होता। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो स्पेशल बात हमें ध्यान रखनी है वो हमें कि जहाँ पे डैश है वहाँ डैश यूज करना, अंडरस्कोर नहीं चलेगा, स्पेस यूज ना करें, स्पेशल करेक्टर्स यूज ना करें, इस चीज का हमको विशेष ध्यान रखना है। इस प्रोसेस में हमने देखा कि हमने फोल्डर्स बनाए, सेक्शन का नाम, ऑफिसर का नाम, ऑफिसर और क्लरिकल स्टाफ,
यहाँ फाइल नंबर, उसके अंदर दो फोल्डर, उसके अंदर उनकी फाइलें, ये हमने रख दिया। फाइलों का नाम किस तरह से रखना ये हमने देख लिया। पीडीएफ में ही सेव करना है इसको ये हमने देख लिया। इसमें नीचे वाला जो सेकंड नोट लिखा हुआ है उसमें कि ब्लैक एंड व्हाइट या ग्रे स्केल मोड में रखें, इसका मतलब यह है कि फाइल का साइज हमारा कम हो, कलर्ड बहुत ज़्यादा हाई लेवल की स्कैनिंग ना करें, डीपीआई उसकी 150 से 200 रखें क्योंकि इसमें रीडेबल होता है, फाइल का साइज कम होगा तो आपकी अपलोडिंग और जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो बहुत ही आसानी से होगा। ये हमारा डिजिटाइजेशन का पार्ट है। आप लोगों ने काफी सारे विभागों में बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कुछ विभागों में थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं, उसको इसमें सुधार सकते हैं। इसके बाद भी कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें जिला प्रमुखों से निवेदन ये रहेगा कि वो रैंडमली अपने यहाँ की फाइलें सारे सेक्शंस की देखें, क्योंकि अगर बाद में फाइल्स कोई अपलोड होना फेल हो जाता है तो उसको फिर ट्रैक करना इम्पॉसिबल हो जाएगा ऑलमोस्ट। और इसके अलावा किसी, ये एक प्रयास है आपको थोड़ा सा समझाने का कि कैसे हमें एग्जैक्टली प्रोसेस फॉलो करना है। हो सकता है इसमें कुछ त्रुटि हो या कुछ आपके सुझाव हो तो आप मुझे बिल्कुल एनआईसी में आकर संपर्क कर सकते हैं। इवन अगर आपको कुछ बात कहना हो तो मुझे आप मेल भी कर सकते हैं mpkat@nic.in पर, या फिर prafull@nic.in पर, या मेरी gmail ID भी है उसमें भी आप अपनी बात कह सकते हैं। मैं इमिजिएटली जब भी होगा उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा। @gmail.com। बहुत बहुत धन्यवाद।